हमारे लिए इस्लाम के लिए हमें भी जरा शहीद होने का मौका दो। बात के साथ मैं एक शेर बोल देना चाहता हूँ। कदम कदम पे है बलाए, कदम कदम पे है बलाए, जिसे हो जिंदगी से प्यार वो यही से लौट जाए। मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ, आशीष को सुनने के लिए मैं यहाँ पे आया हूँ। मैं आपसे एक ही बात कहना चाहता हूँ कि ये जो बिल है ये हमें समझ लेना चाहिए, क्योंकि गुलाम बाप गुलाम नस्लों को ही पैदा करता है और हमारे देश के अंदर ये गुलामी लादने का काम 3.5% के हीरो से लोग कर रहे। मोहन भागवत को आने वाले दिनों में हम बता देना चाहते हैं कि तू विदेशी है और हम मूल निवासी है। आज तुम कानून बना रहे हो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के अंदर गड़बड़ी करके दलाल एजेंट भर रहे संसद में तुम चुनकर जा रहे हो। आज मौका तुमको है, कानून तुम बना रहे हो, आने वाले दिनों में हमें भी मौका मिलेगा, हम भी ऐसे ऐसे कानून बनाएंगे, देने का कानून लाएंगे, अरे भारत में रहने नहीं देंगे, यूरोशिया जाने नहीं देंगे, साइडिश बनाता है। हम यहाँ पे हमारा दुश्मन आइडेंटिफाई कर देना चाहते हैं। मैं तो साला 70 साल से आंदोलन चल रहा, घोषणाबाजी चल रही, नारेबाजी चल रही, दुश्मन को नहीं पता नहीं, अरे लड़ाई किसके विरोध में लड़ोगे? अरे हमारे पुरखों ने लड़ाई लड़ी, हमारे पुरखों ने लड़ाई लड़ी यहूदों के विरोध में लड़ी, हमारे पुरखों ने अगर यहूदों के विरोध में लड़ाई लड़ी, हम 5 टाइम की नमाज पढ़ते हैं, अगर 5 टाइम की आप नमाज पढ़ते हैं और मजलूमों की हक और अधिकार की लड़ाई लड़ने का अगर तुम संघर्ष नहीं करते हो तो 5 टाइम की नमाज कबूल नहीं होती। ये बात हमें समझ लेना चाहिए साथियों, क्योंकि ये जो एनआरसी और कैप का जो बिल है, ये बिल के बारे में माननीय प्रतिभाताई उबाड़े मैडम ये आपको संबोधित करेगी। मैं आपसे एक भी रिक्वेस्ट कर देना चाहता हूँ, जरा पीछे हटो। आरक्षण की मांग को लेके कंदर लोग रास्ते पे उतरे हुए, आरक्षण की मांग को लेके हमारे मुस्लिम भाइयों ने भी लाखों के मोर्चे निकाले, सच्चर कमेटी को लागू करो बोल के। साथियों हमारे मुस्लिम भाइयों ने आरक्षण के लिए भी बहुत सारे मोर्चे निकाले, लेकिन इस सरकार को कुछ फर्क पड़ा? एक जाति में अगर हम लोग मोर्चे निकालते हैं तो उस जाति की दखल ये लोग नहीं लेते हैं, ये इतिहास हमारे सामने है साथियों। और अब अभी भी इस मुद्दे को लेके CRA और CAA के बिल को लेके हम लोग अगर एक जाति के लोग रास्ते पे उतरेंगे तो सिर्फ ये हल्ला मचाने का काम होगा साथियों, इसकी दखल वो लोग लेने वाले नहीं है। तो हमारी दखल अगर लेना है तो हम लोगों को इस देश के अंदर जितने भी मजलूम लोग हैं उन सारे मजलूम लोगों को इकट्ठा करना पड़ेगा और एक ही बुलंद आवाज में इस सरकार को जाप पूछना होगा और उसको बोलना होगा कि हमारे ऊपर जो आप अत्याचार कर रहे हो इसके आगे हम चुप बैठने वाले नहीं है। और इसलिए साथियों अलग अलग लड़ेंगे तो मारे जाएंगे, अकेले अकेले लड़ेंगे तो कुचले जाएंगे और इकट्ठा लड़ेंगे तो मारने मारे जाएंगे। और इसलिए हम ये ताकत निर्माण करना चाहते हैं, अगर हमारा दुश्मन ताकतवर है साथियों, आज लोकसभा में उनकी ताकत है, राज्यसभा में उनकी ताकत है, विधायिका पे उनका कब्जा है, न्यायपालिका पे उनका कब्जा है, कार्यपालिका भी उनके कब्जे में चली गई है, पैरा मिलिट्री पुलिस और ये सारी यंत्रणा उनके कब्जे में चली गई है। और हम लोग सोच रहे हैं कि एक जाति के लोग रास्ते पे उतरेंगे हमें न्याय मिल देने का काम करेंगे, ऐसा नहीं होगा साथियों। अगर न्याय लेना है तो संघर्ष करने के लिए पर्याप्त ताकत भी होना बहुत जरूरी है। और अगर मान लो हमारे 100% मुस्लिम अगर रास्ते पे उतर जाते हैं तो वो केवल 15% है, और 100% मुस्लिम अगर रास्ते पे उतर जाते हैं तो उनका विरोध करने के लिए साथियों 85% लोगों को रोड पे उतारा जाएगा हिंदू के नाम पे। और इसलिए जो अनुसूचित जाति के लोग, जो अनुसूचित जनजाति के लोग, जो अदर बैकवर्ड क्लासेस के लोग जो कि समस्या में है, उनको भी हम लोगों को साथ में लेना होगा और उनको भी जोड़ के जगा के इस
हिस्सा बनाना होगा, तभी जाके हमारी ताकत बनेगी। साथियों, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अदर बैकवर्ड क्लासेस और धर्म परिवर्तित हमारे मूल निवासी भाई, इनको मिला के इस देश की आबादी लगभग 74.5% हो जाती है। और ये लगभग 74.5% लोग अगर इकट्ठा आके रोड पे उतरेंगे तो ये 3.5% के लोग कहां जाएंगे? ये 3.5% लोग हवा में उड़ जाएंगे। अरे हम लोग सिर्फ फूंक मारेंगे ना एक साथ में, तो हमारी फूंक की हवा से ये लोग हवा में उड़ सकते हैं। इतनी ताकत हमारे अंदर है। और इतना ही नहीं साथियों, और अगर हम लोगों ने तय किया कि इन लोगों को इस देश के अंदर से खदेड़ना है, आज ये लोग हमें खदेड़ रहे हैं। किनको खदेड़ रहे? अरे हमें खदेड़ रहे। कभी एनआरसी के नाम पे, कभी सीएए के नाम पे, कभी आतंकवाद के नाम पे, कभी गोहत्या के नाम पे, कभी ट्रिपल तलाक के नाम पे हमें उलझाया जाता है, हमें लड़ाया जाता है, भिड़ाया जाता है। और साथियों, ये सारे के सारे जो कानून हमारे खिलाफ में किए जा रहे हैं, वो कानून बनाने वाले लोग कौन है? ये सारी यहूदियों की संतान है।